हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूं एनिमेश। मैं हूं अभी इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ, इनफैक्ट ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, यानी जोधपुर में। और जोधपुर में अभी मैं जिस जगह में हूं, ये है मछिया जूलॉजिकल पार्क। ये एक नॉर्मल चिड़ियाघर की तरह तो डिज़ाइन बिल्कुल नहीं है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। मेहरानगढ़ किले के आसपास तीन चार बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों के बीच में पूरा एरिया कवर करके ये मछिया जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है। यहाँ की खासियत ये है कि जितने भी डेजर्ट एनिमल्स हैं, जो आपको इंडिया के दूसरे चिड़ियाघरों में देखना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है, वो सारे जानवर यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गो। यहाँ का जो सबसे फेमस जानवर है वो है डेजर्ट लायन। हर कोई वहाँ पे भीड़ लगा के खड़ा था, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जब हम लोग सारे वहाँ पे देखने के लिए पहुँचे, उसको पहले ही लंच करा दिया था और वो थक हार के बिल्कुल सोया हुआ था। मेले में डेजर्ट लायन उतना हरकत में नहीं दिखा, सोया हुआ था, तो उसका दुख तो रहेगा, लेकिन उसकी सारी कमी पूरी कर दी भालू ने। भालू ने जो डांस करना स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं मानोगे, कभी डांसिंग बियर देखा है? भालू ने जो डांस किया, इतनी भीड़ वहाँ पे जमा हो गई, उसने सबका इतना एंटरटेनमेंट किया कि मज़ा आ गया। कहता डांस करके दिखाता हूँ, और बता तेरे को कैसा लग रहा? क्यों भाई, दोस्त है तू? वेरी गुड, दोस्ती नहीं है, गुड बच्चा है। कहता कोई तो मेरे से बात कर रहा है, इज मोर देन हैप्पी। वो भालू खड़ा हो गया भाई, स्टॉप पे इधर आ, बैठ जा। मछिया जूलॉजिकल पार्क, जोधपुर का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर जू। यहाँ पर जैसलमेर में भी बहुत सारे ऐसे जूज हैं, मैंने सुना है, वहाँ पर भी मैं कभी जाऊँगा तो ज़रूर विज़िट करूँगा। बट यहाँ पर बहुत सारे जानवर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो स्पेशलिटी है वो है डेजर्ट एनिमल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। और इसका जो एरिया है, तीन चार पहाड़ों के बीच में ये लोकेटेड है। अगर आप जोधपुर आते हो, दिस इज़ डेफिनेटली ए विज़िट, आपको ज़रूर आना चाहिए। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, जगह मैं घुमाता रहूँगा। वीडियोज़ अगर पसंद है, घूमना अगर पसंद है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।